ये तो रहमत है जो अल्लाह का बंदा मूसा अपनी मौत से पहले बनी इसराइल को अता कर गया। उन्होंने कहा अल्लाह सिना की पहाड़ी से आया, सेर की पहाड़ी से ऊपर उठा और फरान की पहाड़ी से चमका। वो हजारों नेक बंदे साथ लाया और फिर उसके दाएं हाथ से एक जोशीला मजहब वजूद में आया। जब इस दुनिया में ना इंसाफी और मुकद्दस मजहब में ना पाकीज़गी आएगी, उस वक्त अल्लाह बरतर रहम करके सफेद बादल के साए में एक पैगंबर भेजेगा। मेरा लिबास जल्दी लेकर आओ। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में जब आंख खोली तो इनके वालिद हज़रत अब्दुल्लाह इस जहां से रुखसत हो चुके थे। हज़रत अब्दुल्लाह शादी के कुछ अरसे बाद एक तिजारती काफ़िले के साथ शाम गए हुए थे। वापसी में यसरिब के मुकाम पर आप बीमार हुए और आलिम जवानी में ही इंतकाल कर गए। इनके इंतकाल के दो माह बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। बास का कहना है कि आप 12 रबीउल अव्वल बरोज़े दुशनबा बामुताबिक 20 अगस्त 570 ईस्वी रसूल खुदा की विलादत बासदात हुई और बास ने लिखा कि 9 रबीउल अव्वल बरोज़े दुशनबा 22 अप्रैल 571 ईस्वी में रसूल खुदा की तारीख पैदाइश रवायत की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमना ने अपने बेटे की पैदाइश की खबर अपने ससुर अब्दुल मुतलिब को भेजी, जो तवाफ़े काबा में मसरूफ़ थे। अब्दुल मुतलिब घर आए और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने काबा में ले आए और अल्लाह से हर किस्म के फितने और शर से महफूज रखने की दुआ की। अब्दुल मुतलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो सरजमीन अरब सरसब्ज़ और शादाब हो गई, दरख्त फलों से झुक गए, मक्का में खुशहाली आ गई। इसी साल असहाबे फील का वाक्या पेश आया था, जब अब्राह और इसकी 60,000 फौज और हाथियों का लश्कर अबाबील की कंकरियों से फिन्नार हो गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त एक ऐसा जलजला आया और उस जलजले में कैसरा शहनशाह फारिस के महल के 14 टुंगरे गिर पड़े। आतिश कदा फारिस में सदियों से रोशन आग बुझ गई। रसूल खुदा ने 3 दिन तक अपनी माँ का दूध पिया, फिर सोबिया का दूध पिया। 2 साल पहले सोबिया ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमजा को भी दूध पिलाया था। ये वो खुशकिस्मत खातून हैं जिन्होंने रसूल खुदा की पैदाइश की खबर अबू लहब को सुनाई तो अबू लहब ने इन्हें आज़ाद कर दिया। अरबों में ये रवाज था के परवरिश के लिए कमसन बच्चे को देहात में बेच देते थे। देहातों में रहने वाली अरब औरतें साल के मुख्तलिफ हिस्सों में मक्का आती थीं और शीरखोर बच्चों को परवरिश के लिए सहरा में ले जाती थीं। कबीला बनो साद बिन बकर की औरतों ने दूसरे बच्चों को गोद लिया और हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया। इब्तदाई उम्र 4 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी साद में दाई हलीमा की रज़ात के ज़ेरे साया गुजारे। रज़ात से फारिग होकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के पास वापस आ गए। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल हुई तो बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा अपने खावंद के मज़ार की ज्यारत के लिए यसरब तशरीफ़ ले गई। इस सफ़र में उम्मे ऐमन भी हमरा थी। हज़रत आमना सलामुल्लाह अलैहा एक माह तक यसरब में मुकीम रहे। वहाँ रोज़ बरोज़ इनकी सेहत ख़राब हो गई और मक्का वापस आते वक्त सफ़र में अबुआ के मुकाम पर आपका इंतकाल हो गया। उम्मे ऐमन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा लाईं और इनके दादा हज़रत अब्दुल मुतलिब के सपुर्द कर दिया। 2 साल बिना गुजरे थे कि दादा हज़रत अब्दुल मुतलिब का इंतकाल हो गया। दादा मरते वक्त अपने 8 साल यतीम पोते को अपने बेटे अबू तालिब के हवाले कर गए और मतवस्ते हाल अबू तालिब की
सरप्रस्ती में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नया दौर शुरू हुआ। 8 साल की उम्र में जबकि बच्चे दुनिया में ऊंच नीच से बेखबर खेल कूद में मगन होते हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर बकरियों की रखवाली करते, जंगल में इन्हें चराने ले जाते, दोपहर के खाने में झड़ी बेरी के बेर खा कर पेट भरते, ऊँटों की महार पकड़ते और घर के छोटे बड़े काम करते। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा का हाथ बटाने के लिए और चचा के कंधों से अपना बोझ हटाने के लिए मस्कुरा बला मसरूफतें तलाश कर ली। अगरचे अबू तालिब ने भतीजे और अपने बच्चों के दरमियान फर्क ना किया और दोनों मियां बीवी ने हकीकी बेटे की तरह इनकी परवरिश की, लेकिन माँ की मोहब्बत और बाप की शफकत का बदल तो नहीं होता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल की उम्र में हर सुबह शहर से बाहर निकल जाते और शाम के तक अकेले सहरा में रहते थे। अक्सर औकात लामहदूद आसमान और लामतनाही उफक पर नज़र जमाए बैठे रहते और सूरज ढलने से पहले मवेशियों को लेकर वापस आबादी में लौट आते। वो बच्चा जिनका बाप ना हो, जिसकी माँ ना हो और जो खेलने कूदने की उम्र में मेहनत और मुशक्कत करे, वह ज़िंदगी में खुद कफील होता है। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब एक ताजिर थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12 साल की उम्र में शाम ले गए। शाम के शहर बसरा के नज़दीक इनका कारवां ठहरा। जिस जगह कारवां ने पड़ाव डाला वहाँ एक सोमा में बहरिया नामी राहिब रहता था। सरयानी जबान में बहरिया के मायने बुजुर्ग और दानिश्वर के हैं। बहरिया ने इस वक्त तक अपने सोमा से बाहर कदम नहीं निकाला था और ना किसी कारवां के मुसाफिर से गुफ्तगू की थी। अरबों का यह तिजारती काफिला जब सोमिया के करीब फरोकश हुआ तो बहरिया ने देखा कि जिस दरख्त के नीचे काफिले वाले ठहरे हैं इसकी टहनियाँ खुद ब खुद झुक गई हैं। इसने देखा एक 12 साल लड़का काफिले में शामिल है जिस पर बादल का टुकड़ा साया किए हुए है। बहरिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहैसियत आखिरी नबी पहचान कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरपरस्त अबू तालिब को नसीहत की कि अपने भतीजे की पूरी पूरी निगरानी करें। अबू तालिब ने कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये बच्चा वही है जिसका तस्करा इल्हामी किताबों में है। बहरिया ने जवाब दिया, तुम लोग जब घाटी के इस जानिब नबूदार हुए तो कोई भी दरख्त या पत्थर ऐसा नहीं था जो सजदे के लिए झुक ना गया हो। सलाम हो अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सलाम हो रसूल खुदा की शान व बरकात पर, सलाम हो हर उस दिल पर जिस दिल में रसूल खुदा की मोहब्बत अपनी जानों मालों औलादों और माँ बाप से भरकर है। तमाम अहले ईमान को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक।